रूसी वार्निंग के बाद अमेरिका का दावा, ब्रेक करिए, हमला करके यूक्रेन को फंसाने की साजिश, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। कीव को फंसाने के लिए रूस चला रहा है अभियान, ब्लैक सी में रूस ने बिछा रखी है माइंस, यूएस ने कहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा एक बार इस ब्रांडिंग वॉल को जूम इन करें, यह दिखाना जरूरी है आपको, मैं नीचे उठूंगा। ये देखिए, ये है सी माइंस। जब भी कोई समंदर में शिप टकराता है, टिकर को ऑफ करिए जरा कुछ क्षणों के लिए, ये है सी माइंस। ये समंदर में बिछाई जाती हैं, ब्लैक सी में यूक्रेन और रशिया दोनों ने सी माइंस बिछा रखी हैं। यहां पर सी माइन आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये सी माइंस हैं, ये यूक्रेन और रशिया दोनों ने ब्लैक सी में बिछा रखी हैं। अब जरा हमारी डिटेलिंग देखिए, मैं आपको जो फैक्ट दिखा रहा हूं, ब्लैक सी ब्लॉक अमेरिका ने क्या कहा, ध्यान से देखिए, रूस ब्लैक सी में सिविलियन शिप पर हमला कर यूक्रेन को फंसा सकता है। ब्लैक सी पर रूसी रक्षा मंत्रालय की चेतावनी के बाद अमेरिका का दावा। फिर देखिए, रूस खुद हमला करके यूक्रेन को फंसाने के विशेष अभियान चला रहा है। रूस का यह एक्शन सिविलियन जहाजों पर हमले को जायज ठहराने के लिए है। रूस ने यूक्रेनी पोर्ट के रास्ते में बड़ी संख्या में समुद्री माइंस बिछा रखी है, दोनों ने बिछा रखी है। लेकिन इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बॉस्फोरस के पास माइंस को किया गया नष्ट, ब्रेक करिए। तुर्की स्ट्रेट में तैर रही माइंस को किया गया टारगेट विद द विजुअल्स, समंदर में तैर रही माइंस को किया गया नष्ट। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, ये देखिए, समंदर की जो माइंस का जिक्र कर रहा था ये वही है, सी माइंस। ये किसी भी शिप को उड़ाने में कामयाब होती है, कमर्शियल शिप तो पल भर में उड़ जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से उनके ऊपर अटैक करके उनको उड़ाया जा रहा है।